नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो तस्कर गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। मध्य प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीमच जिले की पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए चक्कर घिन्नी बनी रहती है। वहीं नारकोटिक्स विभाग की टीम ने दो कार्रवाई की है, जिसमें दो अलग अलग आरोपी गिरफ्तार किए हैं। बता दें कि नारकोटिक्स विभाग की टीम को मुखबिर से दो अलग अलग सूचनाएं मिली, जिसमें पुलिस ने पहली कार्रवाई जेतपुरा चौराहा फोर लेन रोड बाईपास पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 1 किलो 250 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम जब्त की है। टीम ने दूसरी कार्यवाही झालरा फंटा कचराना सुहासरा रोड पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन चालक को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 5 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडा चुरा जब्त किया है, जिसके विरुद्ध धारा 8/15 NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। नीमच जिले की हर प्रकार की लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।